नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल ऑल इन वन हेल्प में। तो आज के वीडियो आपके लिए खास होने वाला है कि जो जो लोग ये प्रोडक्ट बिग बिलियन डे में मंगाए हैं उनके लिए ये वीडियो है, या जो लेना के लिए सोच रहे हैं उनके लिए वीडियो है। तो ये लिनेवो का स्मार्ट क्लॉक है, जिनको जो स्मार्टफोन खरीदे होंगे बिग बिलियन में उनको पड़ा होगा 1499 में। तो मुझे ये पड़ा था 1250 में, 1249 में। तो मैं ये प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पहले ही इसको अनबॉक्स करके मैं इसको देखिए चार्ज प्लग लगा कर ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि अनबॉक्सिंग का बहुत सारा वीडियो इसमें डाला हुआ है। तो बेसिकली इसमें कुछ देता नहीं है, सिर्फ एक चार्जर और एक ये है, आपको दिख रहा होगा सामने से। तो इसको क्या करना है कि क्या सपोर्टेड है क्या सपोर्टेड नहीं है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए ये सिंपल है, जो है ये इंडियन वर्जन नहीं है, तो ये हिंदी सपोर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो हिंदी सपोर्ट नहीं करेगा, ये ओके गूगल बोलने पे ये काम करता है। तो आपको ये इसको वाईफाई से कनेक्ट करना है, और जैसे गूगल असिस्टेंट जैसे काम करता है उस टाइप का आप इसको कर सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पर साउंड बढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें सिंपली आप स्पीकर के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, इसमें हिंदी सपोर्टेड नहीं है। और एक बात और है, इसमें अगर आप चाहें तो वीडियो चला सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। तो कैसे वीडियो चलाना है मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे आप कर सकते हैं। इस क्लॉक है तो क्लॉक का कैसे यूज कर सकते हैं, स्क्रीन टच है। तो देखिए यहाँ पर सारा चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, स्क्रीन टच है। और इसका देखिए यहाँ पे लुक ऐसा है, इस वाइज है, आप वीडियो में भी देख लिए होंगे और यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट में भी देखेंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको गूगल होम से जाकर कनेक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले कनेक्ट करने के लिए इसको आपको एक वाईफाई से इसको भी कनेक्ट करना है और अपने फ़ोन को भी कनेक्ट करना है, तभी ये जाकर गूगल होम से कनेक्ट होता है। उसके बाद आपको ओके गूगल बोल के इसको जो भी आपको जैसे यूट्यूब सपोर्ट करता है, देखिए यहाँ पर कौन कौन सा ऐप सपोर्ट करता है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बताया हुआ था कि यहाँ पे यूट्यूब सपोर्ट करता है, स्पोटिफाई सपोर्ट करता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये कौन कौन सा, गूगल क्रोम को स्लिप सब, मतलब ये ज़्यादा सपोर्टेड नहीं है, यूट्यूब म्यूजिक बेहतरीन है इसके लिए, बस यही है। तो इसको आप नॉर्मली अगर यूज करना चाहते हैं एज ए स्पीकर तो बहुत बढ़िया है, एज ए क्लॉक तो बढ़िया है, एज ए अलार्म जैसे अलार्म सेट करना है उसके लिए बढ़िया है, और वीडियो हल्का सा मतलब छोटा सा डिस्प्ले में इतना में आपको दिखाई देगा इसमें, तो इसके लिए भी ये चीज़ अच्छा है। तो इसके इससे और कोई खास चीज़ नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ खास चीज़ दिया हुआ ही नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आगे की वीडियो में मैं बता दूंगा, आप देखते रहिए वीडियो में कि कैसे इसमें वाईफाई से कनेक्ट करके आप उसको यूट्यूब से वीडियो भी देख सकते हैं इसमें। तो चलिए हम आगे के वीडियो में हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं इसको। तो मैंने इसको अपने नेट से कनेक्ट कर दिया है। तो कनेक्ट होने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे टाइम आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारा इंटरफेस इसका टाइमिंग का दिया हुआ है, कि जो भी आपको सेट करना है वैसा कर सकते हैं। तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे जैसे करना होगा। तो देखिए यहाँ पे और चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे देखिए इसके बाद आपको मिलेगा अलार्म सेट करने के लिए, उसके बाद आपको यहाँ पर टेम्परेचर मिलेगा। तो यहाँ पर चलिए हम कुछ यहाँ पर प्ले करके हम सुना देते हैं आपको। ओके गूगल प्ले यूट्यूब म्यूजिक हिंदी सॉन्ग, मैं थोड़े देर के लिए सुनाऊंगा क्योंकि मेरे वीडियो पे कॉपीराइट आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको, देखिए यहाँ पे सॉन्ग चालू हो गया है, तो आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर से ऊपर से नोटिफिकेशन आप सेट कर सकते हैं इसका। तो अब मैं यहाँ पे मेन चीज़ पे बताता हूँ कि यहाँ पे आप यूट्यूब लाइव कैसे चला सकते हैं। तो देखिए आपको इस वाले सेक्शन में जाना है, वेदर वाले सेक्शन में, और देखिए यहाँ से आप ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मोर वेदर है, इस पर क्लिक करना है, weather.com पे, moreonweather.com इस पर क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद कुछ देर हमको वेट करना है, जैसे ही इंटरफेस आता है तो देखिए यहाँ पे रडार का ऑप्शन आपको मिला होगा, तो रडार पे जाके आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए बेहतरीन दिखाने के लिए आपको सेट कर लेते हैं कैमरा को। तो देखिए यहाँ पे रडार सेट हो गया, आपको यहाँ पे थ्री लाइन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है जाकर आपको। क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ यूट्यूब का बटन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इसी यूट्यूब के बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे यूट्यूब आपका खुल गया, तो यहाँ यूट्यूब खोल लेंगे। अब हमको आपको वीडियो एक ऐसे ही स्पॉन्सर का कोई प्ले करके हम आपको दिखा देते हैं, मेरा कॉपीराइट भी नहीं है और आपका काम भी हो जाए।
देख सकते हैं यहाँ पे YouTube का वीडियो चल रहा है, यहाँ से साउंड अपना ज़्यादा कम कर सकते हैं, साउंड मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कॉपीराइट आ सकता है। तो देखिए ऐसे करके आप यहाँ पे वीडियो भी प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो करना है तो यहाँ से देख सकते हैं। सर्च अगर करना है आपको तो यहाँ पे टाइप नहीं होगा, इसके लिए आपको देखिए क्या करना है, टाइप करने के लिए यहाँ पे इसमें आपको कीबोर्ड लगाना है, कीबोर्ड लगाने पर डायरेक्टली ये काम करता है। यहाँ पे देखिए माइक ऑफ ऑन का बटन है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसको। तो देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो बहुत अच्छी तरह से प्ले हो रही है। तो इसमें इतना ही फीचर दिया हुआ है, तो आप ऐसे करके आप इसको ले सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करते जाइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है इसमें कनेक्ट होने में या कोई भी प्रॉब्लम आपको बुझाता है दिखता है तो आप हमके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर मैं हेल्प करूँगा और आपको इसके बेहतरीन, इससे भी बेहतरीन चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो धन्यवाद, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को एक लाइक करते जाएँ और शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं।